जनपद गाजीपुर में सपा के युवा नेता अभिनव सिंह द्वारा प्रधानमंत्री के इस बयान पर लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पर एक मुहिम लाल टोपी परिवर्तन का संदेश चलाया जा रहा है, जिसे युवा समाजवादियों द्वारा खूब समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने इस मुहिम की सराहना भी की है। युवा नेता अभिनव सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान पर तंज कसते हुए बोला है कि लाल टोपी परिवर्तन का संदेश, लाल टोपी भाजपा के विदाई का संदेश, लाल टोपी प्रदेश एवं देश में काबिज भारतीय जनता पार्टी के झूठों की पोल खोलने का संदेश, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का संदेश, युवा को रोजगार देने का संदेश एवं हर जातीय मजहब सबको साथ लेकर चलने का संदेश है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से महताब आलम की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। मैं अभिनव सिंह, समाजवादी पार्टी गाजीपुर का नगर उपाध्यक्ष हूं, और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर के रैली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लाल टोपी रेड अलर्ट है, लाल टोपी आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, और तमाम इस तरह की लाल टोपी पर सवाल निशान खड़ा किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर एक मुहिम चला रहा हूं, जो सारे लोग लाल टोपी पहन के अपनी फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं। और पहली बात, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि लाल टोपी देश में क्रांति का संदेश है, लाल टोपी देश में परिवर्तन का संदेश है, लाल टोपी नौजवानों को रोज़गार देने का संदेश है, महिलाओं को सुरक्षा देने का संदेश है, युवाओं को उनकी हिस्सेदारी देने का संदेश है, व्यापारियों को रोज़गार देने का संदेश है, लाल टोपी परिवर्तन का संदेश है। और मैं कहना चाहता हूं कि लाल टोपी मोदी जी, यह जो लाल टोपी है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, यह आपके विदाई का संदेश है, और आप जैसे झूठ बोलकर प्रदेश में और देश में कायम होने वालों को बेनकाब करने का संदेश है।